जय हिंद। आज हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, हर तरफ हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात और विवाद हो रहा है, उसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता भी है। लेकिन अगर हम अतीत के पन्नों में देखें, अतीत के पन्नों में बड़े बड़े बादशाह, राजा और बहुत सारे नवाबीन लोग आए, उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या नहीं किया। गंगा जमनी तहजीब कहा जाता था कि मतलब मैंने तो ऐसे जो है नवाबों को देखा कि मुहर्रम था और मुहर्रम में एक जैसे कि भाई अपना गम मनाया जाता है इमाम हुसैन की याद में, और होली मुहर्रम में जो है पड़ गई। तो आपने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जनता है और उस जनता के बीच में जा कर के भी लोगों ने होली मनाई। आज समझ लीजिए कितना अच्छा रहता कि आज जनपद बहराइच के जो हालात हैं वो देख करके ख़ुद में बड़ा अफसोस होता है कि अभी इंटरनेट चालू हो गया और मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि लोग उसी वीडियो को लेकर के कर रहे हैं। मतलब इसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपसी विवाद और फैले, यही मैसेज है, यही बचा हुआ है, और कुछ मुद्दे नहीं है, कुछ कमाना खाना नहीं है, रोज़ी रोटी पर ध्यान नहीं देना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देना, एजुकेशन पर ध्यान नहीं देना, कहाँ ध्यान लगा हम लोगों का। अरे भगवान राम हमारे भी हैं, रहीम अल्लाह हमारे भी हैं, सभी के हैं, राम हमारे हैं सभी के हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं उतने आपके हैं, भोलेनाथ जितने हमारे उतने सभी के हैं। मैं भी खुद मंदिर में जाता हूँ, खुद जाकर टीका लगाता हूँ, मैं जो मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ता हूँ, सब एक हैं। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कोशिश करते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। देखिए जब भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया गया तो उसका मतलब ये था कि अलग अलग जो है इन लोगों को डिवाइड करो, अलग अलग तोड़ दो, और तोड़ने के बाद उन पर राज करो। वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सक्सेस क्यों नहीं हो पाई पता है? सक्सेस इसलिए नहीं हो पाई कि ईश्वर अल्लाह हर वक्त आपके ऊपर जो निगरानी रखे, आपके फरिश्ते आपको आपको देख रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को ना कि आप जब अच्छा या गलत कर रहे होते ना तो आपके मन में एक जो ट्यूनिंग बजती है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि आप जो गलत कर रहे हैं। अगर अच्छा भी कर रहे होते हैं तब भी आपको अंदर से आपको मिलता है, अप्रिशिएट मिलता है कि बहुत अच्छा करने है, वेरी गुड, गो एड। लेकिन जब आप गलत करने जा रहे होते हैं ना तो अंदर से ट्यूनिंग आती है। हज़रत अली का कॉल है नहजुल बलागा में कि हर इंसान के अंदर से ट्यूनिंग बज जाती है कि अलर्ट हो जाओ, नहीं ऐसा ना करो। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ के ऊपर जो है तवज्जो नहीं देते हैं। अलर्ट होने की बात है आजकल, हम सबको हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े स्कॉलरों ने ये बोला है कि आप जैसे मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो हमारे मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ है आप मूर्ति विसर्जन में जो माता की जो ये प्रतिमा आ रही है उसको जाएं, उसमें पार्टिसिपेट हों, आपके ऊपर भी बरकतें आएंगी। बारह वफा तो मुहर्रम हो, अपने हिंदू भाई भी उसमें आएँ। कितना अच्छा माहौल था, कितना अच्छा माहौल बनाइए, आपस में एकता को जो मतलब जो है संदेश दिखे ताकि एक से बढ़कर एक लोग आपसे मिले। लेकिन ये सुबह देख रहे हो इंटरनेट में वही मुद्दे, वही बातें कि उसने उसको गोली मारी, उसने ऐसे गोली मारी। आप हिंदू मुसलमान एकता कैसे रहेगी, क्या ऐसे रह सकती है? नहीं रह सकती है। सोचनी है बात है, क्या ईश्वर नहीं देख रहा है कि इसने गलत किया कि उसको सजा ईश्वर नहीं देगा? विश्वास नहीं है आप लोगों को? क्या अल्लाह की ज़ात पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? मुझे तो है, मेरे साथ मुझे कोई गाली देगा तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। इंसान को कोई इंसान कुछ कहे और मैं गुस्सा हो जाऊँ, आपको इंसान कुछ क्या गुस्सा हो जाए तो आपका जहन इतना कमज़ोर है कि आप दूसरे आदमी ने आपको बलगलाए आप गुस्से में आ जाए? नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा आपके हिसाब से आना चाहिए, है ना। और एक बात मैं देखिए मेरी एक ऐसी बात मैं आप कहने जा रहा हूँ कि हमारे को कोई गाली दे, किसी को कोई गाली दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप अपनी ज़बान को अच्छी रखिए क्योंकि ईश्वर माता दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ और हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान की एक एक चीज़ को देख रहा है, मॉनिटरिंग चल रही है। अगर गलत किया है तो यहीं उसका फल मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा तो वहाँ तो सबको मिलना है। तो कृपया ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एकता का संदेश दें, फेसबुक पे एकता का संदेश दें कि कैसे एक रहा जाए। ये चीज़ों से हटिए, गले मिलिए, क्योंकि पता है देश कमज़ोर हो जाता है अगर यूथ आपस में इसी तरह फाइट करेंगे, इसी तरह अगर जो लड़ेंगे यूथ अगर इसी ऐसे ही फाइट करेंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे। देखिए अभी हमारे बीच में रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आखिरी में आप लोग बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कोट करी कि ऊपर वाले ने सबसे बेहतरीन चीज़ आपको जवानी दी है। सबसे बेहतरीन चीज़ जवानी है, लेकिन जवानी में सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं।
जवानी में सबसे ज़्यादा लोग को रात में नींद नहीं आती है, ये दो चीज़ों से ग्रसित हैं लोग। तो बस क्या है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिए, माँ बाप का सपना पूरा किए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, क्या वो चाहेंगे कि मेरे जो हैं भक्त वापस में के लड़ें, खून खराबा करें? या जो आपने जो काम किया कि अल्लाह उससे खुश था, आपको सज़ा तो यहाँ भी मिलेगी। आपने किसी को मारा है, किसी को पीटा है, उसको सज़ा आपको अल्लाह यहाँ भी देगा, अल्लाह वहाँ भी देगा आपको। इसलिए कृपया करके अब आप सभी लोग मिलजुल करके रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। देखिए एक छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी, इसमें अमन और मोहब्बत कैसे मिलेगा मोक्ष आपको? जब अंतिम वक्त आता ना लोग, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब आपने सारे काम गलत किए हैं, लोगों को मारना, पीटना, लोगों का खून करना, लोगों को गाली देना, एब्यूज़ करना, कुछ करना, तो आपको आखिरी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान देने योग्य बात है।